जा, ये जीवन सबसे बड़ी चर्चा। देश की दिशा और दशा, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। लोकसभा क्षेत्र का मतदाताओं का क्या है रिझान, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची। देखते हैं चाय की चौपाल की टीम की खबर। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। हम नवेगांव से यहां गोंदिया में पहुंचे हैं। ये यादव नगर है गोंदिया का, जहां पे हम लोग लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, गोंदिया मंडल लोकसभा चुनाव को लेकर। यहां पे जो राजनीति चल रही है वो 2009 में यहां पे प्रफुल्ल पटेल का राज था, उसके बाद 2014 में यहां नाना पटेल सांसद बने। उसके बावजूद यहाँ के लोगों में एक रोष है कि यहाँ की प्रगति नहीं हुई, यहाँ का विकास नहीं हुआ। यहाँ पे भी बीएसपी की सरकार की मांग की जा रही है। यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। उसका एक जो नजरिया है या कारण ये है कि यहाँ पे पहली महिला उम्मीदवार है जो बीएसपी की ओर से उम्मीदवारी कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए। तो यहाँ पे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह देखते हैं ये लोकसभा चुनाव को। सर, आने वाले 11 तारीख को हमारे यहाँ पे इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन के मद्देनजर आप लोकसभा चुनाव को, यानी भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं? ये गोंदिया भंडारा लोकसभा में एक इतिहास रचने जा रहा है। आज तक के जब से लोकसभा बना है, ये इतिहास से पहली बार कोई महिला इस लोकसभा की पहली बार सांसद बनने जा रही है। इतिहास लोकसभा भंडारा लोकसभा में इतिहास रचा जा रहा है। ये जब से लोकसभा क्षेत्र बना है, आज तक के कोई महिला इस क्षेत्र से कोई पार्टी ने, नेशनल पार्टी ने अपनी टिकट दिया नहीं है, मगर ये पहली बार है कोई नेशनल पार्टी ने अपनी एक बेटी को, इस महिला को, अपनी बेटी को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जिसने एक बेटी को आगे बढ़ने का काम किया है। इसका कुछ खास उद्देश्य है सर, महिला उम्मीदवार को उम्मीदवारी देने का? उसका खास उद्देश्य ये है कि आज तक के लोग कहते हैं कि सिर्फ बेटी को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, मगर ये सिर्फ माइक में बोलने का काम, मौका नहीं दिया जाता। अच्छा उनको लगता है मौका किसी को नहीं दिया जाता जी, मगर ये पहली बार है कि किसी को बेटी को आगे बढ़ने का मौका किसी पार्टी ने दिया है। उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, ये बहुजन समाज पार्टी ने मौका दिया है। तो आपके पार्टी से जो उम्मीदवार है, जो उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, उनका नाम बताएंगे आप? उनका नाम है डॉक्टर विजया ताई नांदुरकर जी। क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले चुनाव से? विजया ताई नांदुरकर यहाँ की पहली महिला सांसद चुन के जा रही है और वो यहाँ की महिलाओं के लिए उद्धार करने जा रही है। आज आपको बता देना चाहता हूँ, ये शहर की महिलाएं आए दिन गायब हो जा रही है, ये महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। यहाँ बेटियों के साथ जो स्कूल पढ़ने की बेटियां जाया जाती है, वो स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, वो स्कूलों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक असंतोष है राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी को लेकर? हाँ बहन जी, यहाँ पे असंतोष है क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी सांसद हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो सांसद थे इसके पहले प्रफुल्ल पटेल, वो तो मूलतः यहीं के हैं, इसके बावजूद यहाँ के वो मूल थे, अभी भी वो सांसद है जी, मगर यहाँ की जो मूल समस्या है, यहाँ के लोग जो मूल निवासी है, यहाँ के बहुजन समाज, एससी एसटी माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, उनकी जो मूल समस्या है, उनकी समस्या ये है कि उनके बच्चों को रोजगार मिले, उनके बच्चों को शिक्षण मिले, उनकी महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, किसानों के साथ जो अत्याचार होता है, और जो उनके बेरोजगार बेटों को रोजगार नहीं मिलता, वो रोजगार दिलाने का काम आज तक किसी नेता ने या किसी सांसद ने किया नहीं है। ये उसके लिए ये है कि मूलतः यहाँ के होने के बाद भी प्रफुल्ल पटेल ने यहाँ के विकास पे ध्यान नहीं दिया, जमीन स्तरीय पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब सब तो यही बोलते हैं कि वो गोंदिया के हैं मूलतः, जिसका आगमन स्थान होता है वो वहाँ का रहता है जी। तो आपको आपको गलत जानकारी है कि प्रफुल्ल पटेल मूलतः यहाँ के जी, आप बताइए, क्योंकि मूलतः वो रहता है कि जिसका उसके अपने गांव में कभी आगमन स्थान नहीं होता।
प्रफुल्ल भाई पटेल का है, इस गांव में आगमन होता है और प्रस्थान होता है। जी, तो जिसका आगमन प्रस्थान होता है वो भारी होता है, वो स्थानीय नहीं होता है, मूल है ना, आपको अपनी जानकारी के लिए है ना, वो यहाँ का नहीं है। और वो कैसा है कि उनका व्यापार के लिए वो आता है, है ना। राजनीति का जो मूल उद्देश्य है इस देश में, जो राजनीति पैदा हुई है, राजनीति व्यापार नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो देश के लिए इन्वेस्टमेंट है ना, वो देश के कुछ लोग जो भावनिक लोग हैं या जो चाहते हैं जो मानवतावादी लोग हैं, ये उन लोगों का इन्वेस्टमेंट है सारे देश के लोगों के लिए। और जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा के लिए हुई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के लिए नहीं हुई, ये हमारा इंडिविजुअल मामला है। अगर कोई मुस्लिम है तो वो अपने पैसे से वो मस्जिद बनाए, कोई हिंदू है तो मंदिर बनाए, कोई बुद्धिस्ट है तो अपने पैसे से बुद्ध विहार बनाए, ये सरकार सरकार का काम नहीं। शहर के अंदर में एक वातावरण, जिले के अंदर में और लोकसभा क्षेत्र के अंदर में ऐसा वातावरण आपके एमएनएस न्यूज द्वारा बनाया था, जिसे पट्टे नहीं तोड़ने को तो समाज पार्टी के पूरे लोगों ने एकजुट होकर पट्टे नहीं तोड़ने का काम ने मुद्दा उठाया, जिसमें आज एमएनएस न्यूज के माध्यम से, अभी भी न्यूज के माध्यम से आज हमारे लोगों को पट्टे का सर्वे वगैरह हुआ। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने न्यूज के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं के कारण तक हमारी आवाज तक पहुंचाई और आज कहीं ना कहीं हमारे परिसर के लोगों को पट्टे का सर्वे हुआ। लेकिन जब तक बहुजन समाज पार्टी के लोग उस टाइम पर जागरूक नहीं होते, पट्टे नहीं और पट्टे नहीं तो वोट होने का अगर हम आंदोलन छेड़ते नहीं, आज लोगों को पट्टे का सर्वे होता नहीं और लोगों को पट्टे लगभग मिलने के कगार पे आते भी नहीं है। लेकिन बात रही स्थानीय अगर लोगों की, अगर छोटी मोटी समस्याओं की, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर देश के अगर सैनिकों के मुद्दे पे अगर कोई लड़ता है तो वो कोई महत्व का नहीं है, हमको मूलभूत जो छोटी छोटी सुविधा आपने जो बोले थे कि हमें उस 2014 में। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सैनिकों के मुद्दे पर जो लोग लड़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है? आप मुझे बताइए कि अगर आपको देश के प्रति अगर कुछ सोचना है, अगर लोगों के बारे में अगर सोचना है, आज बड़े बड़े फ्लैग्स लगते हैं तो उनमें सैनिकों की फोटो लगी हुई रहती है और मोदी जी की फोटो लगी हुई रहती है, ऐसा क्यों करते हो आप? जी, आपने जो लोगों की छोटी छोटी समस्या है वो राजकारण में सैनिकों को मत डालो, आप राजकारण में सैनिकों को मत डालो, किसानों को मत डालो। आखिर किसान गरीब रहता है तो किसान के जब उगाता तो हम खाते हैं, किसान का बच्चा लड़ने जाता है सड़क पे, कोई बड़े बड़े करोड़पति लगता नहीं जाती है, किसान किसान नहीं जाते पता तो तब चले जब राजनीति वाले लोगों के बच्चे जाए, बच्चे जाए तभी मालूम पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात है गोंदिया और भंडारे के अंदर में कैसी स्थिति है कि जहाँ सफाई अभियान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर चला, लेकिन हमारे गोंदिया और भंडारे में नहीं है। आज गोंदिया में भंडारे में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर में सौवे दूसरे नंबर पे आता है टॉपर में सुअरों के आतंकों से, सुअरों के आतंक से पूरे महाराष्ट्र के अंदर में दूसरे नंबर पे आता है। क्या सोचे कितना स्वच्छ हमारा गोंदिया भंडारा शहर? आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है, सुअरों का आतंक, तो इस पे क्या इसमें जान की भी हानि होती है? जान की 100% होती है। अभी साइन ब्लू आपने देखे होंगे सब, वो निकला था पिछले उनका 7 सालों से यहाँ पर बीजेपी की सत्ता है, अल्लाह से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली तक इनकी सरकार है, सत्ता है, तो लोग कुछ क्यों नहीं कर पाते? लेकिन कुछ करते नहीं है। दुर्भाग्य है कि हमारे हमारे लोकल जगह का बंदा राज्यसभा में सांसद होता है और वो हमारे लिए कुछ नहीं करता है। एक विचारणीय बात है, एक हमारे लिए विचारणीय बात है कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इतना अगर वो बता दे तो अच्छी बात है, लड़ कौन रहा है चुनाव? समझ में तो ये नहीं आ रहा कि एक आदमी के ऊपर पूरा देश निर्भर है, लेकिन उसके अलावा जो ठीक है देश उन पर निर्भर है, लेकिन आप मुझे बताइए कि समस्या का समाधान करेगा कौन? अगर 2014 में जितने सांसद बीजेपी के चुनके गए, अगर वो नरेंद्र मोदी होते तो समझ में आता, लेकिन वो नरेंद्र मोदी नहीं है। उन्होंने कितना काला क्या वो सब अपने अपने सरकार चला रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं, बराबर है। आखिर कहीं ना कहीं हमने आज बहुजन समाज पार्टी ने एक महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये हमारे लिए गौरवनीय बात है। 70 सालों के अंदर में इतने बड़े पूंजीपति हैं यहाँ पर बसे हुए, तो उन्होंने आज तक किसी महिला को आगे बढ़ाने के लिए क्यों काम नहीं किया? आज एक ओबीसी महिला आज चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी से, उनको डर भाग गया है कि कहीं महिला आगे न मर जाए और आज सांसद चुप के न चले जाए और उनकी यहाँ पर वाटा लगा। जी 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 मैं
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप एक दो दिन पहले यहाँ पे महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने किसान के फांसी लगा के हत्या कर ली थी, तो यहाँ के एक मिनिस्टर ने कहा था जो किसान हत्या करता है उसके बच्चे लावारिस होते। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक भी न कोई चैनल ने, एक ही चैनल ने माझा चैनल ने दिखाया था, न कोई मीडिया ने, न किसी ने नहीं बताया कि वो मिनिस्टर ने क्या कहा। किसान के बेटे जो मिसकान करते आत्महत्या कर लेता उसके बेटे लावारिस हो जाते हैं क्या? आज तक कोई मीडिया ने, कोई चैनल ने किसी दिखाया नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लावारिस अगर किसान का बेटा ही हो, किसान ही होता है जो इस देश को अपने खून के पसीने से धान उगा कर फसल काट कर इसको देश को चलाता है, और किसान का बेटा ही होता है जो एक गोली चलाता है, छाती पे गोली खाता है। ये ओबीसी समाज, एससी एसटी, माइनॉरिटी समाज, और बच्चियों को यहाँ पे ना पढ़ने का शिक्षण का कोई देता, यहाँ पे संडास बाथरूम बनाने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था शिक्षा ऐसा बागनी का दूध है, अगर जो पी लेगा कोई माइकल लाल उसे चोर नहीं सकता। मगर यहाँ पे आज ऐसा है उस बागनी के दूध को ये दिल्ली से लेके गली तक की सरकार उस बागनी के दूध को हमारी बच्चियों को पढ़ने से पढ़ाने से रोका जा रहा है। ये हमारी महिला को ये 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए के मकान, दो दो कमरे के मकान बना के दिए जा रहे हैं। ये हमारे बेरोजगार भाइयों को अगर कमाने का काम दे दिया जाए तो ये 1.5 लाख के मकान नहीं, 1.5 करोड़ रुपए के मकान बना सकते हैं। आज राशन कार्ड में अनाज नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड में मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है। आप मुझको बताओ ये गैस सिलेंडर करके मोदी जी जो है ना बड़े लोग रिलायंस कंपनी के एक एजेंट बन गए हैं, जो एक रिलायंस कंपनी का गैस हैंडल बड़ा सरमा सरम आती है कि हमारा प्रधानमंत्री किसी रिलायंस कंपनी का एक एजेंट बनकर काम कर रहा है, गैस हंडे कोई एक प्रकार से क्या कर रहा है, एक बेचने का काम कर रहा है। पहले पिछली गवर्नमेंट में कहा था देखो भाई देखो 800 का हंडा हो गया है, अभी गैस के हंडे को देखो 1200-1000 रुपए का मिल रहा है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने चाय पीने की आदत डाल दी थी तो आज हम चाय पी नहीं सकते, चाय के बगैर रह नहीं सकते, वैसे ये मोदी जी हमारी बहन बेटियों को माताओं को गैस के बगैर खाना नहीं बनाने की आदत डाल दे रहे हैं, और ये गैस का हंडा 1000 रुपए की जगह 1500 रुपए हो जाएगा। इसकी खरीदने के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे, इसके हम कहाँ से लाएंगे? ये कहते हैं भाइयों बहनों आपके मकान बने कि नहीं बने, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा स्लम एरिया देखिए, झोपड़ी मोहल्ला एरिया हमारा देखिए, इस परिसर में आप खड़े हैं आज किसी भी पर्सन को, किसी भी झोपड़पट्टी की बस्ती को, एक घर के किसी मालिक को भी झोपड़पट्टी आवास योजना का किसी को फायदा नहीं मिला, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा किस प्रकार से करते हैं? यहाँ पे आपको रोकते हुए एक सवाल पूछूंगी मैं, दो व्यक्ति है, दो व्यक्तियों में से अगर एक बहुत प्रबल है, बहुत दिनों से सत्ता कर रहा है, और उसकी जगह एक साल के लिए कोई एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों एक दूसरे की बराबरी कर पाएंगे? मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, आप एबीपी है, आपकी न्यूज के माध्यम से, कि अगर जिसकी नियत साफ हो, काम करने में जिसकी अगर क्षमता हो, तो ये हिंदुस्तान में क्या, इस यादव चौक पे क्या, वो हिंदू पूरे देश के कहीं भी कोने में काम कर सकता है अगर उसकी नियत साफ करने की लायक हो, तो चाहे वो कितना बड़ा भी पूंजीपति क्यों ना हो या कोई बलशाली क्यों ना हो, अगर उसकी नियत साफ करने की तो जरूर करेगा जी। एक सवाल, पहली बात ये है कि हम सच कब बोलेंगे, सच क्यों बोलना नहीं चाहते, पर सच तो जरूरी है सर, इस देश में भीख क्यों दी जा रही है जी, क्यों तुम 2 लाख रुपए लैंडलाइन क्यों बना के दे रहे हो, क्यों रोजगार नहीं दे रहे हो जी, किसी को मदद कर रहा है क्या, ये लाचारी नहीं है, इंसानियत है क्या, वो जानवर है? करूंगी, आपको ऐसा लगता है कि जो 2 लाख रुपए जो घर बना के दे रहे हैं इसमें रोजगार नहीं मिलेगा? सवाल उसका नहीं है, सवाल इसमें लाचारी डेवलप हो रही है। आपने किसान की रोजगार की बात, देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सच कब बोलेंगे जी, इस दुनिया में
अगर इंडिया को छोड़ दिया जाए तो सारे देशों में जो सैनिक को सम्मान से जाते हैं, वहाँ का राष्ट्रपति का भी लड़का सैनिक में जब भर्ती होने जाता है, अमीर का भी बेटा, यहाँ पे गरीब का बेटा जाता है जी। यहाँ पे कोई देश सेवा करने नहीं जाता, सच ही बोलना चाहते हैं, रोजगार के लिए जाता है। वो अलग बात है कि गरीब समाज में जज्बा है, लड़ रहा है देश के लिए, लेकिन पहले क्या है कि इस बात के लिए रोजगार के लिए, ये मार्केट के लोग कितने लोग तकलीफ इस बात की है कि देश प्रेम किसको कौन बताया, जिसके बेटे सैनिक में सेना में जाते ही नहीं। पर सर सैनिक में भर्ती होने के लिए भी एबिलिटीज चाहिए होती है, एबिलिटीज गुड यस, वो हमारे बच्चों में है। मैं वही बताना चाहता हूँ, क्रिकेट में हमारे हमारे बच्चे जब सेना में गोली खेल खेल सकते हैं तो क्रिकेट में खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं, हमारे क्रिकेट में है हमारे। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस देश का जो सिस्टम है, ये इस देश में जो बहुजन समाज का आदमी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से वो गरीब नहीं है, वो काम करता इसलिए गरीब नहीं, उसके माल की उसके काम की कीमत कम है इसलिए गरीब कम है, इसलिए एक आदमी का पानी जो है, इनका पानी 20 रुपए में बिक रहा है, हमारे आदमी का दूध 20 रुपए में बिक रहा है जी। ये जो बेसिकली फर्क सबसे बड़ी समस्या है, ये फर्क है, और ये हमारी अज्ञानता है कि हम इन लोगों की पार्टी वोट दे रहे, कांग्रेस बीजेपी एक बाप की दो दुकान है, और बहुजन समाज की हालत इस देश में फुटबॉल के जैसे, इसने लात मारा तो इधर, इसने लात मारा तो इधर जी। सवाल उस फिर वहीं पे आता हूं मैं कि ठीक क्यों गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट रोजगार क्यों नहीं दे रही जी। गवर्नमेंट अगर किसी आदमी को रोजगार दे तो अपना लेवल बना लेगा, घर बना लेगा ना जी, क्यों भीख क्यों दे रहे हैं, भिखारी क्यों बना रहे देश को, क्या ये इस देश का सम्मान है कि हम किसी हम देश के लोगों को भिखारी बना रहे, क्यों रोजगार क्यों नहीं दे रहे। तो इस देश की समस्या जो कांग्रेस बीजेपी, इस देश के लोगों को ये जातिवाद, देखो भारत में 6000 जातियां हैं जी, बाबा साहब ने जातियां खत्म कर दिया, अभी वर्ग है, अभी आप जाति नहीं है, आप वर्ग है, किसी ओबीसी वर्ग के 3743 जातियों को वर्ग कहा गया, एससी को वर्ग कहा गया, जात खत्म हो गई। सर एक और यहाँ पे एक इंटरप्ट करूंगी मैं, देखिए हमारे विधानसभा ये लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कुल जो सीटें हैं वो है कुछ तकरीबन नहीं नहीं मतदान मतदाताओं की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें महिला मतदाता है 9.5 लाख, और जो नव नए हैं यानी जो 18 साल के अभी हुए हैं, जो पहली बार मतदान करने वाले वो लोग हैं 18,000 के करीब। तो आपको ऐसा नहीं लगता अगर जो नया युवा वर्ग है हमारा वो अगर एक विचार करे इसको, इस चीजों को लेकर, विकास को लेकर, या फिर आप जो भी मुद्दे रख रहे इसको लेकर, तो बाजी पलट सकती है? क्योंकि देखिए हमारे पास जो टोटल वोट्स है वो कितने हैं, हमारे पास 9,5,18 लाख वोट्स हैं हमारे पास, है ना, हमारे पास 18 लाख मतदाता, 9 लाख कुछ वोट महिलाओं के, हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, महिला जागेगी नहीं रोशनी लगेगी, तो वही मैं कह रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि बाजी पलट सकती है? बिल्कुल पलटेगी, हर बाबा आता है महिला को पहले लाता है, ये महिला भाई आई है नहीं रोशनी लाइए जी, ये आपको बता दो हर हर काजे जो दर्जिए हर रीति की नहीं, ये विजया ताई आई है नहीं रोशनी लाइए। वो सोचने के काबिल होंगे तब मतदान करेंगे, आप हमको जियो का कनेक्शन दे रहे हो, जियो का मोबाइल दे रहे हो, आप हमको पीजी कर रहे हो, आपको मोबाइल मतदाता मंदिर में आज वो मोबाइल में बैठ के चौपाल में बैठ के मोबाइल में छेड़ते जा रहा है, सच दिखाने का दिखाने का काम कर रही है। तो सबसे पहले इस चौथे क्षेत्र से जो यहाँ झोपड़ी मोहल्ला यादव चौक सत्ता में मोहल्ला बोला जाता है, तो यहाँ रोजगार पूछिए, यादव परिवार को यहाँ रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्रफुल्ल पटेल यहाँ के सांसद इतने बार रहे, तो उनको पूछिए, सच दिखाइए इस नेटवर्क के बारे से कि प्रफुल्ल पटेल ने कब कब यहाँ रोजगार पैदा किया। आपके प्रफुल्ल पटेल कुछ बोल रही तो बोलेंगे कैसे, बोलती बंद है ना, अब महाराष्ट्र में काका कांग्रेस और आरपीआई का गठबंधन हुआ है, आप यहाँ पे जब ये जो रथ घूम रहे हैं उनके, तो उनमें रथ में देखिए सबसे बड़ा फोटो जो है प्रफुल्ल पटेल का लगा है, और नाना पंचभूते जो है वो छोटे साइज में है, और जब गठबंधन की बात होती है तो कांग्रेस और राका के जो बड़े बड़े लीडर रहते हैं उनकी फोटो लगा जाती है, जबकि यहाँ राका नहीं,
गठबंधन लड़ रहा है जी, हमारा जो गठबंधन लड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी का, आप हमारे रथ यात्रा में देखिए उसमें अखिलेश जी यादव का भी फोटो है, बहन कुमारी मायावती का भी फोटो है और हमारी जो उम्मीदवार है डॉक्टर विजय नांदकर उनका भी फोटो है। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सर्वसमभाव, और ये जो गठबंधन की नीति है इसको बोला जाता है। और प्रफुल्ल पटेल जो बार बार यहाँ के स्थायी नहीं है, उनके पिताजी जो है वो गुजरात से इम्पोर्ट हुए हैं यहाँ, वो इम्पोर्ट हुए हैं, उन्हें पैदा यहाँ किया है और यहाँ का रोजगार छीन के भिलाई स्टील प्लांट में भेजा गया है। गोंदिया में 5,000 लोगों को अगर रोजगार उपलब्ध होता तो 5,000 पब्लिक के भरोसे 15,000 लोगों को रोजगार मिलता। अगर बीएसपी जो वहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट वहाँ जो प्लांट है तो उसके आजू बाजू में कम से कम 5,000 लोगों ने टपरी की चाय टपरी की दुकान लगाई होगी। जो चौकीदार बोल रहा है बार बार चाय के चौपाल में चर्चा होगी तो चर्चा किस बात की हो रही है? रोजगार को 2 करोड़ मिलना चाहिए। हमारा महाराष्ट्र का सामाजिक न्याय मंत्री बटोले साहब बोलते मैं कुमार को रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा, रोजगार मेड़ावा ले रहे हैं और वो महाराष्ट्र का मंत्री नहीं है, वो मुर्गा वर्चुनी का मंत्री है, सिर्फ मुर्गा वर्चुनी में मेड़ावे लेता है बाकी कहीं नहीं लेता। और उन्हीं के बीजेपी सरकार का गवर्नमेंट का मंत्री राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल बोलते रोजगार ही नहीं है तो रोजगार कहाँ से देंगे? तो इन्हीं के गवर्नमेंट के लोग जो है ये शासन में बैठे ये बोलते हैं ना गली से लेके दिल्ली तक, मैं तो बोलता नली से लेके नाले तक बैठे हैं लोग जी, से लेकर नाले तक बैठे हैं। सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि बीएसएनएल के 45 लाख कर्मचारी को उन्हें बेरोजगार कर दिए जो लागू है और वही बीएसएनएल को घाटे में डाला है और वो जियो का अडानी का जो उद्योगपति का चौकीदार है वो उद्योगपति को बढ़ाने के लिए जियो का प्रमोट करता है, जियो को जी करते कि नहीं जी। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में आई थी, केंद्र में आई थी, उन्होंने एक नारा दिया था कि चलो शिवाजी के आशीर्वाद से मोदी के साथ, बराबर है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जिनको इतिहास नहीं मालूम वो उनका नाम लेने का अधिकार भी नहीं रखते। शिवाजी महाराज के राजपाट में कभी मैंने इतना इतिहास पढ़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज के राजपाट में कभी काश्तकार ने आत्महत्या नहीं किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में काश्तकार ने आत्महत्या किए गए? तो ये देश कृषि प्रधान देश है, इस देश के अंदर काश्तकारों की बात होना चाहिए, इस देश के अंदर नौजवानों की बात होना चाहिए, इस देश के अंदर महिलाओं की बात होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में चीजें नहीं हुई? नहीं, कहां हुई मेरे को ये बताओ, वो 70 साल बताते। अरे भाई जब 70 साल बर्बाद हुई इसलिए तो आपको 5 साल दिए, आप 70 साल को बताते, आप 5 साल बताओ। पर आप 70 साल को 5 साल में कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं नहीं, एक मिनट, एक बहुत गलत बात है मैडम आप जो बोल रहे हैं। 5 साल में कितने दिन कितने घंटे कितने सेकंड होते हैं आप मालूम है? 70 साल में कितने दिन मांगे थे? 100 दिन मांगे थे मैडम, एक बात सुनिए, 100 दिन मांगे थे। मैं वो बेटी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जब शपथ ली जी नोटबंदी की जी क्या फायदा मिला? आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप न्यूज से आए हैं, नोटबंदी से इस देश को और इस देश की जनता को क्या फायदा मिला आप बता सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 2014 में जिन मुद्दों से 2014 में जिन मुद्दों से दोनों पार्टियां चुनाव लड़ी थी, क्या वो उस मुद्दे की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं क्या? 170 की धारा खत्म हुई, 370 की धारा खत्म हुई, नहीं हुई। श्री राम जी का मंदिर बना, नहीं बना। महंगाई खत्म हुई, नहीं हुई, उल्टी महंगाई बढ़ गई है। तो आप ये पब्लिक को पलगा क्यों रहे हो? आप जिन मुद्दों पे आपने जो जो पिछले 2014 में चुनाव लड़े थे उसी मुद्दे पे आकर चुनाव लड़ो। आप किसी सैनिकों का सहारा मत लो, किसानों का सहारा क्यों ले रहे हो आप? मुद्दों पे लड़ो, आप मुद्दों पे चुनाव क्यों लड़ रहे हो? और बात की 70 साल वाली तो वो बरगलाया जा रहा है आम जनता, आम जनता को बरगलाया जा रहा है। दूसरी बात, अगर बात 70 साल की है तो वो समय अलग था, ये समय अलग है, वो समय अलग था। उस टाइम में उस समय का हिसाब नहीं कर रहे हैं। साफ पर इतनी न्यूज आ रही है कि मोदी ने और शाह ने मिलके वहाँ पुलवामा में ये शहादत करवाई है, मोदी ने और शाह ने पुलवामा में ये शहादत करवाई है हमारे सैनिकों की। इसका ये उत्तर क्यों नहीं दे रहे कि मैंने नहीं किया करके? देश तो उनको पूरा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, व्हाट्सएप पर पूरी न्यूज आ रही है। तो ये क्यों सामने आके नहीं बोल रहे कि मैंने नहीं किया? आपको ऐसा लगता है सर कि सोशल मीडिया जो एक नेटवर्किंग है ये वाकई में सच होता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सच्चाई है इसके पीछे में। इसकी वजह ये है
जब सैनिकों ने आपको बोला कि मुझे हेलीकॉप्टर दीजिए, हमको जाना है, क्यों नहीं दिया गया? आपके जो सीबीआई या जो भी नेटवर्क आपके पास में, भारत का, आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ वो फेलियर है बीजेपी का? अरे बहुत बड़ा करवाया उन्होंने, इसलिए फिर हो रहा है। जी जी जी, एक बात बताइए, हमको सारी चीज के मतलब मैं बोलता हूँ, मोदी जी ने जो चुनाव लड़ा था 100 दिन के अंदर काला धन लाऊंगा करके कहा था, आज 5 साल में 100 दिन नहीं हुए क्या? जी 15 लाख रुपए हर खाते में डाले जाएंगे, डले क्या? नहीं, आप मुझे बताओ, उन्होंने एक बीमा कालते कराने की बात की थी कि जो जब मरेगा मैं उनको उसमें 5 लाख रुपए डाल दूंगा, तो क्या लोगों को मरने की इच्छा देखेंगे? कब कौन मरेगा जिसमें बीमा डाल दूंगा, तो आप उसमें खाता खोलेंगे? आप मुझे बताओ, जितने लोगों ने खाता खोला था 500 रुपए का 100 रुपए डाल के, उसका अमाउंट कहाँ गया? वो अमाउंट उन्होंने अदानी कालते ब्लैक लिस्टेड हो गया था, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में उसको लोन नहीं मिल रहा था, उसने अमेरिका से उसको लोन दिलाया, ब्लैक लिस्टेड अदानी कंपनी को, वो पैसा उन्होंने उसमें दिया। आज मुझको बता, जितने अपने मोदी जी बोलते हैं, देखो भाइयों मैंने खाता खुला दिया, तो खाते के अमाउंट कहाँ गए भाइयों? मुझको एक बात और बताइए, मुझको कि 2000 करोड़ों के भाइयों को, लोगों को रोजगार मिला क्या? एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी जब भी 2014 में आपको चाय दुकान के मालिक थे, तो आप चौकीदार 5 साल में कैसे बन गए? आप एक बात और पूछना चाहता हूँ, जिस बीजेपी के पास में कभी चाय पीने का पैसा नहीं था, तो 500 करोड़ रुपए का दिल्ली में भवन कैसे बन गया? आपने प्रश्न उपस्थित किया था 70 सालों पास मोदी जी ने, हमने तो पार्सल दे दिए। मैं पहले तो आपकी बात से सहमत हूँ कि 70 साल और 5 साल बेसिक फर्क है कि 70 साल जो है, लेकिन मोदी जी इतने ब्रिलियंट हैं, उन्होंने सिर्फ 100 दिन मांगे थे, हमने 5 साल दिए। जी तो जब आपने बोले 100 दिन, तो हमने तो 5 साल दे दिए, फिर आपको कोई गरज नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने उनके 70 साल के मुकाबले 100 दिन मांगे थे और देश की जनता ने 5 साल दे दिए फुल पिल। सवाल कैसा है कि ये गोल गोल बातें, ये राजनीतिक बातें इसके लिए नहीं है, सवाल इस बात का है कि इस देश में रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। भारत में रुपए की कमी नहीं है, रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है। उदाहरण के तौर पर गोसी खुर्द प्रफुल्ल पटेल ने शुरू किया था 40 साल पहले, गोसी खुर्द 40-45 साल हो गए, और गोसी खुर्द बन जाता तो लाखों लोग, लाखों किसान, लाखों गरीब जो है बलशाली हो जाते हैं। उसमें अभी मेरे भेल और वीडियो कॉल, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक उदाहरण है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एक चीज को जोड़ रहा हूँ उसके साथ, सारी बातें आ गई। तो 40 साल उसको लग गए जबकि वो बेसिक चीज थी। जी। और प्रफुल्ल पटेल ने एयरपोर्ट बनाया जिसमें एक ही आदमी का हवाई जहाज, एक ही आदमी का हवाई जहाज जा रहा है। वेरी गुड। तो ये जो रुपए है, एयरपोर्ट भी बहुत जरूरी है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है 19वीं शताब्दी में, लेकिन जरूरत क्या है? हमारे घर में मान के चलो खाने की पहली प्रायोरिटी है, तो हम कोई हमारे जो घर के लोग कोई चॉकलेट लेने के लिए पैसे देते, पहले चावल लेंगे, पहले चावल लेंगे। तो ये देश का पैसा है कि कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है, हम टैक्स पे, और टैक्स ये भी एक टैक्स की भी बात कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि देश में मुट्ठी भर लोग टैक्स देते हैं। जी अरे भैया, वो टैक्स देने वाले लोग नहीं है, लूटने वाले, ये जो रुपया जनरेट होता है, आज गरीब आदमी भी जो चाय पत्ती खरीदता है 2 रुपए की, वो भी टैक्स दे रहा है, टैक्स दे रहा है। ये मीडिया के माध्यम से हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो रोड रास्ते बनाए जा रहा है, हमारे लोग जो है काम करते ठेकेदार वही है। तो इस देश में आज जो है कि राइस मिल को, इस देश में 60% सब्सिडी इंडस्ट्रियल को है, ये जो हजारों करोड़ है ये सब्सिडी है, लेकिन चर्चा गरीब की सब्सिडी की होती है, तो इस देश में लोग बोलते हैं कि यार गरीबों को सब्सिडी क्यों देते हैं, क्यों देते हैं? बरोबर। अभी ये राफेल का मुद्दा आपने जो उपस्थित किया, राफेल इतना क्लियर मुद्दा है, उसमें 30,000 करोड़ रुपए का करप्शन है, और देखो ये पैसे राजनीतिक लोग कैसे लूटते हैं कांग्रेस बीजेपी खासकर, तो हर लोकसभा में अगर मोदी 50-50 करोड़ दे दे, 50 करोड़ बहुत होते एक लोकसभा में, तो 50-50 करोड़ अगर दे भी देगा तो भी 2,850 करोड़ उसके पास होती है, इतना बड़ा करप्शन। अगर हम कोई वो बोलते हैं कि एक्सपेंसेस अलग हो गए, 516 करोड़ रुपए का प्लेन, अगर हम 1 लाख की गाड़ी लेते हैं तो उसमें 10-20 हजार का ज्यादा का खर्चा लगाते हैं, 1 लाख की गाड़ी में 3 लाख का आइटम डालते हैं,
क्लियर क्लियर, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, खासकर हमारे बहुजन समाज के लोगों का। अभी 13 पॉइंट रोस्टर लाया, पहले 200 पॉइंट रोस्टर था जी, तो उसमें वो भी गलत था। 200 पॉइंट रोस्टर भी हमारे लिए गलत था, क्योंकि संविधान में 100 नौकरी में 52 बीसी, 15 एससी, 12.5 मुस्लिम, यानी संख्या के आधार पर संविधान एक मांग सोच का संविधान है। एक मांग के पास चार रुपए, चार रुपए एक सबको दो, लेकिन उसमें भी 50% में बीपी सिंह के समय में मंडल आयोग लागू होना, 27% में हम लोग मान के चलो ओबीसी के लोग जो है बीएसपी के मान के माध्यम से मान गए, और वो बीच बीजेपी को ओबीसी का आदमी वोट देता है, कांग्रेस को देता है, कांग्रेस ने तो मंडल आयोग को लटकाया, लेकिन वीपी सिंह ने कांशीराम साहब के बीएसपी के दबाव में 27% आरक्षण दिया, हक दिया, तो ये बीजेपी ने उसकी सरकार के लगती ओबीसी को क्यों दिया, यानी पुराना आधार क्यों दिया जी, यानी इसलिए सरकार के लगती, और उसके बावजूद भी हम उनको वोट दे रहे हैं, हम बेवकूफ हैं। वो तो देखो वो अपना काम कर रहे हैं, सुनो वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बताने का मतलब ये सोशल अनलिटरेसी जो है, हमारा शोषण जो है अनलिटरेसी के हो रहा है, और ये सारा ये जो सारी जो है ये बात है सत्ता की वजह, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे गोपाल अग्रवाल आमदार बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई सत्ता की नहीं है जी, ये पद की नहीं, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, बहुजन समाज के लोगों को इस देश में प्रतिष्ठा नहीं है। आज धारण के तौर पर हमारे यहाँ पे बडोले मिनिस्टर है, लेकिन उसके पास पद है, प्रतिष्ठा नहीं, पावर नहीं उसके पास, पद है। गोपाल दास अग्रवाल विपक्ष के आमदार है, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल है। तो ये जो सत्ताधारी कांग्रेस बीजेपी की अलग पार्टी नहीं, ये सत्ताधारी समाज की पार्टी है, देश की पार्टी नहीं, देश की पार्टी नहीं है। तो हमारा बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस देश के लोगों को, खासकर एससी ओबीसी बहुजन समाज के लोगों को कहना है कि भैया ये तो आंखें खोलो, और नहीं खोलोगे तो तुम्हारा नुकसान है। एक संदेश आप देना चाहेंगे नौ जो अभी पहली बार वोट करने वाले हैं उन बच्चों के लिए, जो 18,000 युवक जो वोट करेंगे उनके लिए आप एक अच्छा सा संदेश दीजिए। देखो अभी इस देश में ये जो बच्चे हैं वो जिस समाज में पैदा हुए उस ये कोई अलग से कोई बच्चे वोट नहीं मांगते, नहीं नहीं बिल्कुल, ये प्रश्न वो राष्ट्रीय लेवल पे भी उपस्थित होता था, मेरे तो समझ में आया नहीं, अरे मेरा बच्चा तो मेरे हाथी को उड़ेगा जी, तो ये बच्चे का अलग से कोई इनका समूह थोड़ी, कोई जात थोड़ी है बच्चों की जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ओवरऑल वाला मामला है, अगर वो एससी एसटी ओबीसी का भी बच्चा है तो सीधा एक ही मामले को सोशल अवेयर होना है जी। अगर तुम्हारा शोषण जो है, देखो कैसा है कि शरीर के बल से कुछ नहीं होता, ऊपर वाले बुद्धि का बल होना चाहिए, है ना, तो ये ऊपर वाला जो है इसको जब तक हम बत्ती नहीं जलाएंगे तो तब तक मान के चलो हमारा, और ये जलाना पड़ेगा, वोट है आपके पास, वोट है इसलिए आपको वैल्यू है, कुत्ता भी नहीं आता, नहीं आता था आज, यानी ऐसा बोला जाए कि संबित पात्रा को मैंने टीवी पे देखा, इंसान मतदाता है, मत 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 और वोट हारता मत हारता जितना नहीं है, इस विचारों पे मानने वाले इतने ऐसा उसको मतलब होता है, हमारे लोगों को बता दिया इस वोट पर तो वोट खराब होता है, अरे वोट खराब नहीं होता, आप जो है रात दिन पुलिस को अंबेडकर आप जो है विचार मत मुझे विचार, आप इसके विचारों के हो, इसका ऐसा मतलब होता है वोट हारता जीतता नहीं, तो कैसा है कि इसको समझना पड़ेगा। और मैं तो ये मानता हूँ डंकी की चोट पे कि बहुजन समाज पार्टी को आपकी उतनी जरूरत नहीं जिसको आपको बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग हम मर रहे कर रहे हैं, जो है देश में कई लोग मरने वाले हैं। आज एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे भाई का आज सबको आगे बढ़ने की जरूरत है, इस देश में इस देश का लाल किला जिसे कहा जाता है, जिसे 15 अगस्त 26 जनवरी को इस देश का प्रधानमंत्री भाषण देता है, देश को संदेश देता है, आपको मालूम है लाल किला किराए पे दे दिया गया, जिस देश का लाल किला किराए पे दे दिया जाता है, तो आप मुझको बताओ वो देश का प्रधानमंत्री देश को कब किराए पे दे देंगे, इस पे भरोसा है? कोई भरोसा नहीं सर। एक आखिरी सवाल आप सभी से पूछूंगी, यहाँ पे हम विराम लेंगे इस प्रोग्राम का, आखिरी सवाल ये, किसी भी पार्टी या पक्ष के विरोध में नहीं है हम लोग या उनके समर्थन में नहीं है, पर हमारा सवाल ये है कि आपका जो उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार करता है किसी भी पक्ष का हो, वो कैसा होना चाहिए? एक उम्मीदवार एक लिखा पढ़ा शिक्षित और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबको लेके चलने वाला, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला और सबके साथ जब भी 24 इयर्स कांटेक्ट रखने वाला और सबके दुख सुख को बांट के लेके चलने वाला और सभी जाति धर्म के लोगों को किस लिए लड़ने वाला होना चाहिए, वो होना चाहिए
और खासकर ये एक पहली बार इतिहास रचने वाला जो कोई उम्मीदवार आया है वो उसके साथ विजयनाथ दुर्गर एक महिला आई है को बेटी आई है पहली बार बेटी आई है जो लोग बेटी को कहते हैं बेटी को बेटे समान समझो वो बेटे के समान जो यहाँ पे एक इतिहास रचने आया है वो इतिहास रचने वाली विजयनाथ दुर्गर आई है लोगों को बेटी को बेटे समान जो अधिकार देने का समय आया है और किसी का स्टैंड पेपर नहीं होना चाहिए ऐसा उम्मीदवार आपको होना चाहिए। राजनीति में सोशल एजुकेटेड होना चाहिए, सब तभी होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है हम लोग क्या सबको पढ़ा लिखा समझते हैं? अगर कोई डॉक्टर है तो वो इंजेक्शन दे सकता है नक्शा नहीं बना सकता। नहीं, इंजीनियर है वो इंजेक्शन नहीं दे सकता नक्शा बनाएगा। तो वैसे ही राजनीति में सोशल एजुकेटेड होने की जरूरत है और भारत का दुर्भाग्य कि यहाँ पे सोशल एजुकेटेड की कमी है, ऊपर से अनलिटरेसी है, बहुजन समाज के अनलिटरेट लेवल पे और डिग्री एजुकेशन नहीं है। डिग्री जो है वो डिग्री जो है डिग्री एजुकेशन नहीं होता उसको उसको किस समय है। आपको ऐसा लगता है कि जो ये नेते जो बनते हैं जो भी उम्मीदवार रहते हैं इनके लिए क्वालिफाइड क्राइटेरिया होना चाहिए? क्राइटेरिया है ना भारत का कुर्ता पैजामा पहनो, चलो निकलो कुर्ता पैजामा पहनो, ये भारत में दुनिया में एकमात्र ऐसा देश, दुनिया का ऐसा देश जिसमें क्वालिफिकेशन ही कुर्ता पैजामा पहनने का जी। वजह ये है हमारे इस देश में बहुजन समाज को ऊपर उठने नहीं दिया गया जी, बहुजन समाज को उठने नहीं दिया गया और ऊपर से वो बोलते हैं कि तुम कंपटीशन करो, हम कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं, लेवल एक होना चाहिए जी। जैसे मेरे माँ बाप सुबह जाके नल से पानी भरते, तुम्हारे भी माँ बाप वहाँ पानी भरना चाहिए, लेवल एक होना चाहिए। भाई कंपटीशन यदि हमारे साथ यदि करना चाहते तो एक लेवल समानता होनी चाहिए। एक सांसद अगर छूट के जाता है तो हम आम जनता जो रहती है इस गोंदिया भंडारा जिले की आम जनता जो रहती है वो अपेक्षित कैसे रहती है कि हमारा खासदार हमारी चिंता करे, चिंता मतलब हमारा रोजगार उपलब्ध करवा, हमारा विकास हो, हमारे गोंदिया भंडारा जिले का विकास हो, या शिक्षण बराबर मिले, या मेडिकल बराबर मिले, या रोजगार बराबर मिले। अगर रोजगार नहीं मिले तो यहाँ का रोजगार कैसे उपलब्ध कराओ ये सोचे ना कि यहाँ से दिल्ली में जाके मुंबई में जाके बैठे रहे स्टैंप पेपर रहे, जब तक वहाँ से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। जैसे बीजेपी का अगर सत्ता रही भी है, बीजेपी का सत्ता यहाँ रहा भी गया तो बोलेंगे प्रफुल्ल पटेल ने उसको काम नहीं करने दिया। तो मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि खासदार सांसद में बात रखने जाता है, अपनी जब सभापति वहाँ बैठा रहता है उसके सामने बात रखने जाता है कि वहाँ बैठने जाता है? अगर खासदार तो इतने बोलने की अथॉरिटी नहीं है, यहाँ की जनता का उसको चुन के दे रही है तो यहाँ की जनता क्या चुन किया है? बेवकूफ है वो, यहाँ पढ़े लिखे हर किसी को बोला जाता है अपने सामने टैग लगाओ चौकीदार का। मैं बोलता हूँ चौकीदार की जगह थानेदार का टैग लगाओ, चौकीदार होता है सलूट करने के लिए और थानेदार होता है उसको सलूट करवाने के लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री अगर बोलते अपने आप को चौकीदार कहला तो तुम अपने आप को प्रधानमंत्री क्यों कहला लो? प्रधानमंत्री देश का विचार करेगा, वो ना कि विदेशों में जाके अपना देश का लुटिया डुबोएगा। आज बोलते हैं स्विस बैंक से इतना करोड़ों का अरबों का, मैं चाहता हूँ कि जो अहमदनगर में गुजरात में जो स्टैचू बना है 3,000 करोड़ का, तो इस देश की जनता की आबादी 130 करोड़ की जनता की आबादी है। अगर हर किसी के घर में 15 लाख क्यों दे रहे हो साहब, 1-1 करोड़ बांट दो, 1-1 करोड़ बांट दो, 1-1 करोड़ बढ़ गया तो 1 लाख करोड़ पति बन गया, तो 3,000 करोड़ का किसको दिखाना? मैं बोलता हूँ कन्याकुमारी का व्यक्ति का गुजरात में वो स्टैचू देखने जाएगा, मेरे जैसे आदमी जब रोजगार जिसके पास रुपए होंगे वही देखने जाएगा। मैं यहाँ का रोजगार कर रहा हूँ 300 रुपए रोजी करने वाला, वो 3,000 करोड़ का स्टैचू देखने जाएगा, अपनी रोजी मार खाएगा। अगर रोजी नहीं करेगा तो घर में खिलाएगा क्या? बच्चों का भविष्य क्या करेगा? वो बोलते हैं नाले से गैस निकालेंगे, अरे निकाल के तो दिखाओ और उसको रोजगार का उपलब्ध करवाओ। उपलब्ध नहीं करवाते यहाँ के खासदार, देश के बड़ा देश के कद्दावर नेता जाने जाते हैं प्रफुल्ल पटेल। आज प्रफुल्ल पटेल हमारे जैसा एक बेरोजगार सुशिक्षित नहीं बोलूंगा मैं अपने आप को, सुशिक्षित ऊपर सुशिक्षित नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने यहाँ अशिक्षित करके रखा है प्रफुल्ल पटेल साहब ने। मैं मानता ही नहीं उसने कभी यहाँ रोजगार के लिए कोई चीजें उपलब्ध कराया हो। भेल जैसी चीज जो चालू होने वाली थी, हारने के बाद
नेता किसको बोला जाता है जो हारने के बाद भी कार्य करे, जबकि वो सांसद थे, सांसद थे वो बात रख सकते हैं। राज्यसभा में हर चीज पारित होती है, बरोबर है। लोकसभा में जब जीत के नहीं जा रहे तो इसका मतलब आप दिमाग से पैदल बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आपको गोंदिया का विकास नहीं करना, भंडारा गोंदिया विकास नहीं करना है। यहाँ पे एकमात्र इंजीनियर कॉलेज थी वो भी बंद करवा दिया, दस दस महीने वहाँ पे पगार नहीं मिल रही है। आपका सेटलमेंट वाला बिजनेस है, जीएस कॉलेज चलता है, जीएस स्कूलें चलती है, वहाँ के जो रोजगार वहाँ पे जो कर्मचारी है वो उनके दबेल है। दबेल होने के कारण प्रफुल्ल पटेल का आदेश आता है कि आप वर्क करो, घर घर जाके डोर टू डोर जाके, क्योंकि अगर उन्होंने काम नहीं किए तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो अपनी अपनी एक नैतिक मजबूरियां है, हम भी चाहते हैं, हमारी भी एक मजबूरी है। हम रोजी रोटी छोड़ के भी 300 करोड़ 3000 करोड़ का स्टैच्यू क्यों देखे जाएगा? ये सच्चाई है, ये जब तक सच्चाई आप नहीं दिखाएंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। प्रफुल्ल पटेल की नीति, गोपाल अग्रवाल की नीति या राठा कांग्रेस बीजेपी की नीति यहाँ पे समझ में नहीं आएगी। आज परिणय फुके साहब को गोंदिया में प्लांट किया गया है, नागपुर से यहाँ प्लांट किया गया है कि आप यहाँ की नीति करो। हमारे इलेक्ट्रिक जो मिनिस्टर है वो उनको भंडारा जिले का पालक मंत्री, आपने देखा कहीं पे कि दो दो पालक मंत्री हमारे भंडारा जिले का पालक मंत्री तो हो जा रहा है, बावनपुरे को भी रखा गया और नागपुर में भी उनको ही पालक मंत्री बना। तो आपके पास ही हर मिनिस्ट्री रहना चाहिए ऐसा क्यों? क्यों नहीं ओबीसी समाज को पढ़ाया जाता? क्यों नहीं एससी ओबीसी समाज को पढ़ाया जाता? माइनॉरिटीज को, मैं बोलता हूँ शिवाजी महाराज की आपने जब बात की है तो शिवाजी महाराज के जो सलाहकार समिति में 18 लोग थे, 18 लोग में से 12 लोग मुस्लिम थे, बरोबर है, 12 लोग मुस्लिम थे। तब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हुई, इन लोग राजनीति सिर्फ जाति धर्म के नाम से कर रहे। जब बोलेंगे राम मंदिर नगर अध्यक्ष सब बीजेपी के, फिर भी शिवाजी महाराज का पुतला अभी तक नहीं लगाया है, ऐसा क्यों हो रहा है जी? तो ये दिल्ली से गली से दिल्ली तक की सरकार क्या कर रही है? आम जनताओं को सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है? आम जनताओं पे तुम जीएसटी थोप रहे हो, महंगाई थोप रहे हो, टैक्स वसूल कर रहे हो। अभी मेरे को मालूम चला कि 4 करोड़ रुपया गोंदिया नगर परिषद में टैक्स आया। तो आप पूछ लो कि 4 करोड़ की जनता को, इन लोगों ने जो टैक्स भरा गया है और ये जो टैक्स भरा गया है तो किस जनता ने भरी? आप हिस्ट्री जाकर माइनिंग का अधिकार निकाल लो। मैं तो चाहता हूँ ये दबे कुचले लोग हैं जो हम एससी एसटी समाज के लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारे घर पे टैक्स ना बचे, वो लोग भर रहे हैं। पूंजीपति लोगों ने टैक्स नहीं भरा है। ये 4 करोड़ सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी लोगों के घर से आया है। और आज जाके देखिए कि जो मोदी सरकार की सभा होने वाली है वो मात्र सभा का खर्चा मेरे हिसाब से 5 करोड़ है। वहाँ धूप में जो पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी लगा के रखे, बेचारे धूप में देख रहे कब कब हमारे घर बैठने को मिलता है। ये नीति है मोदी सरकार की, यानी आप सोचते हो कि हम आपके वरिष्ठ है, हम चाहते कि आप हमारे गुलाम बन के रहो, ये इनकी नीति है, ये मोदी सरकारों की नीति है। इसलिए इस देश में अगर सच्ची लड़ाई कोई लड़ रही है तो वो है बहुजन समाज पार्टी की, एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती। इसके बाद किसकी सरकार मैडम? इसके बाद हम बहुजन की सरकार, मैं आपको इसकी बात करने सज्जन साथ में बोलेंगे। इसके बाद किसकी सरकार? बहुजनों की सरकार। इसके बाद किसकी सरकार? बहुजनों की सरकार। इसी के साथ हम ये सभी लोग एक एक बार सभी से एक बार अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी से निवेदन है कि गोंदिया जिला भंडारा जिले में हमारी बहन विजयाताई नांदूरकर को आप लोग अपना अनमोल ओट, अपनी बहन, अपनी बेटी विजयाताई नांदूरकर के हाथी निशान में देंगे, ये सबसे आपसे अपील करता हूँ। धन्यवाद। मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि हमारी विजयाताई नांदूरकर जो हाथी चिन्ह से खड़ी हुई है, उनको आप सब एक साथ होके हाथी के बटन दबा के उनको विजयी करें, ताकि आगे चल के आपके बच्चे जो अभी मोदी जी ने जितने वैकेंसी निकाली है, जो परेशानी है, आज तक आपने देखे किसी बहुजन का बेटा कोई लगा है क्या ड्यूटी पे? लगा है क्या? जो ग्रुप डी के जो फॉर्म निकले थे उसमें निकाले तो सही, लेकिन किसी का बच्चा एक भी नहीं लगा, अभी भी निकाले हैं तो उसमें भी लगेगा कि नहीं? आपका कहना इन शॉर्ट ये है कि लोग जो वोट करें वो सोच समझ के करें, ताकि आगे चलकर आपके आपके ऊपर ये नौबत ना आए कि आप उनकी गुलामी करें जैसे आज कर रहे हो। जी, थैंक यू सो मच मैम। आप सभी से एक ही मैं विनती करती हूँ कि आप विजयाताई को
जरूर वोट कीजिए और हमारे बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाइए और दिल्ली का लाल किले पे हमारा नीला झंडा होना चाहिए। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। थैंक यू सो मच। हमने यहाँ पे अभी यादव चौक पे ये चाय की चौपाल की, इसके बाद हम आगे का सफर तय करेंगे। हमारे साथ जुड़ते रहने के लिए एमएनएस न्यूज लाइव देखते रहिए। धन्यवाद। यह है लोकसभा क्षेत्र की जनता का हाल, उठ किस करवट बैठेगा, इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।